देश भर अग्निपथ योजना लैके रोस प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। मानसा दे विच वी अजिही तस्वीर सामने आई जिते नौजवानों के वलों मानसा का तीन कोनी चौंक जाम किया गया ते केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। गलबात करदिया नौजवानों ने दस्सिया कि केंद्र सरकार उन्हां दे नाल धोखा कर रही है क्योंकि नौजवान लगातार भर्ती की तैयारी कर रहे थे पर केंद्र सरकार के वलों अग्निपथ योजना लिया के सारे भारत का बेड़ा गर्क कर दिता गया है। इस नाल ही नौजवानों के वलों चेतावनी भी दी गई जेकर केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना वापस ना ली तो आने वाले समय के नौजवानों के वलों तिखा संघर्ष किया जाएगा। ये जो दो सालों तो भर्ती हुई सी जी पटियाले की उहदे विच ही मैडिकल फिट फिजिकल फिट मुंडे उरे बैठे ने जिहड़े इन्हां दा पेपर रहिंदा जी पेपर कई बार रद्द ही करता कैंसल कर दिया करना भी करोना करके तो वो हिसाब नाल असीं चली गए चलो वेट की फिर भी मेहनत की पढ़ाई की खर्च किया तो वो साडा कोई पल्ले नहीं पिया जी कुछ अज उरे बैठे हैं उस करके बैठे हैं जिहड़ी सरकार आ सब तो माड़ी है ये कर दें टी ओ डी नवा लागू करता जी इहदा कोई लाभ नहीं होना इहदा नुकसान नहीं होगा जिहड़ी चार सालों बाद मन लो जी ट्रेनिंग दी 6 महीने की उन्होंने रफल चलानी सिखा देंगे बंदे पर आके गुंडागर्दी होगी जी अतवाद फैलूगा यदा कोई फायदा नहीं होना नुकसान नहीं होगा आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा नुकसान आ एक असं आपके बारे नहीं सोचते आने वाली नस्लों बारे भी सोचते हैं भी यदा कोई नुकसान नहीं होगा यदा फायदा कुछ नहीं है मंग साडा पेपर की तरीक जी जारी की जाए पे सब कुछ किया किराया साधा रद्द करता ही बिना किसी गलों ये कोई गल नहीं बनती सी टी ओ डी और रद्द की जाए मेरे टी ओ डी जरा टॉर ऑफ ड्यूटी कानून है सरकार ने आर्मी के लिए बनाया है यदा सख्त विरोध कर रहे हैं ये की आ क्या 4 साल वास्ते रखा हुई असं उस तो बाद मतलब रिटायरमेंट कर देंगे तुम भाई ऐसी 4 साल बच्चे बंदे कि चीज़ का एक्सपीरियंस आऊगा मैं तीजी भर्ती से रेस लाई जाएगी 2 साल मैंने रेस का एक्सपीरियंस नहीं आया मैंने 4 साल बच्चे मैं आर्मी का की एक्सपीरियंस आ जाऊगा ठीक है बाकी 4 साल बाद चल मानते हैं भी चल सरकारी नीति बनाती चल आप कुछ नहीं कहें पर ना कोई कंटीन कार्ड है तो ना कोई पेंशन है ना कोई मैडिकल हेल्थ सहूलत है ये वास्ते भी उन्होंने कोई गरंटी नहीं दी मतलब जवाब देते उन्होंने भी देंगे नहीं असं ठीक है तो उस तो बाद ये मतलब भी बच्चे इन्ना डिप्रैशन च बग गए घट्टो घट अपने पूरे इंडिया के 64 के करीब खुदकुशियां हो चुकी हैं ठीक है टर्फ ड्यूटी के कारण जिवें बिहार हो गया अपना हिमाचल हो गया ये बई सरकार विरुद्ध बहुत ज़्यादा मतलब भी हथों पाई हुई हैगी पुलिस दी गड्डी भी पलटाइया गई नेगियां तो ट्रेना भी फूकिया गई नेगियां तो यह प्रदर्शन अं चलू जिन्ना टाइम साडा टर्फ ड्यूटी जिहड़ा रद्द नहीं हुंदा ठीक है तो ये की आ घट्टो घट्ट देश के 56% नागरिक ने जिहड़े भर्ती वाले ठीक है वो कि ने ओवरेज हो चुके ने गे साडे जिहड़े वड्डे भैण भाई ने वो भी ओवरेज हो चुके ने असीं उन्हां दे हक्कां लई लड़ देंगे इन्होंने उम्र साढ़े 2 साल वधाई हैगी पर उहदे नाल मेरे कोई फायदा नहीं 2 साल वध गई ठीक है चल मानदे आ पर 4 साल लाके की करना सानूं इह गल नहीं मतलब हवारी इह कहिंदे वी सानूं मतलब जदों तुसीं आ गए उत्थों जॉब करके आर्मी विच्चों वी सानूं असीं रुजगार देवांगे इन्हां ने रुजगार दी कोई शॉर्ट ही नहीं दित्ती इह कहिंदे सानूं पैसे मिलूगी हरेक रुजगार दे विच्चों असं भी यही मंग करते भी जो टर्म ड्यूटी है ये कानून हटाया जाए यह बहुत काला कानून है ये कहें भी असं देश का जो बजट बचा है ठीक है ये कहें भी जो 53% बजट है वह आर्मी का लगता गा तो टोटल मतलब खर्चा बचा के 18% देश के मतलब सेवा लिए बचता गा 18% मूर्ति लिए बचता बी होर काम लिए नहीं बचता। दैनिक सवेरा लिए शिफाली की रिपोर्ट। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चंदबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना स्वतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435 0321।